हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी वी आर डिस्कसिंग क्लास नाइन्स एन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वन एंड वी आर ऑन चैप्टर फोर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस सो देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हमने स्टार्ट किया था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में समझने की कोशिश करने वाले कर रहे थे हम सो देखिए एट फर्स्ट वी ट्राई टू डिफ्रेंशिएट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज द पोलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमने समझ लिया है ना आज के सेशन में इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वट ऑल अदर पावर्स गिवन टू प्राइम मिनिस्टर ओके दिस टू विल भी डिस्कस्ड इन टुडे सेशन एंड इन द अपकमिंग सेशन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी एज अ होल ठीक है सो इस तरह से हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कम्प्लीट हो जाएगा सो so, देखिए प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का इनके लिए यूजली डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता इट इज़ द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर रहना बट अ प्रेसिडेंट के नॉट अपॉइंट एनी वन जिसको वो चाहे वो किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकते ही शुड बी मेजॉरिटी पार्टी लीडर ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट तो मेजोरिटी पार्टी या फिर आजकल के समय में ये जो मेजोरिटी पार्टी है वो कोलिजन भी होती जा रही है यानी कि एक से दो पार्टी आपस में मिलके जो है सरकार बनाती हैं और उनकी अगर मेजॉरिटी है तो उनका जो लीडर होगा वो जो डिसाइड करेंगे दैट लीडर विल बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ओके और मेजॉरिटी पार्टी लीडर हैज़ टू बी इन द लोकसभा हमने देखा था हाँ देयर आर टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सो लोकसभा में आपको अपनी मेजोरिटी हासिल करनी है क्योंकि लोकसभा में ही है ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हैं जनता के द्वारा राज्यसभा इज़ यूजली इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ पे इसलिए उसको वहाँ पे ये जो है सिस्टम नहीं रखा गया है सो so, अगर कोई एक सिंगल पार्टी या फिर अलायंस मेजोरिटी हासिल नहीं करती है प्रेसिडेंट ऐसे इंसान को जो है अपॉइंट कर देगा दिस इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जिसको प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ ठीक है अगर मेजोरिटी सिक्योर करने की बात आए तो ये व्यक्ति मेजॉरिटी सिक्योर कर सकता है प्राइम मिनिस्टर डज हैव अ डज नॉट हैव अ फिक्स टैन्य ये आपको याद रखना है कि इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता वो जब तक पावर में रहेंगे जब तक ये मेजॉरिटी जो है या फिर कोलिजन में जो मेजॉरिटी है वो उनकी बनी रहेगी यानी कि वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर पाए अगर इन द फ्लोर ऑफ द हाउस देन ही विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो हमने कर ली अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो गया अब आती है बारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली यही होता है हम, आपने मिनिस्ट्री देखी होंगी ना बड़ी सारी मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सो ऑन ये सारे के सारे मिनिस्टर्स आपस में मिलके मिनिस्ट्री इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करेगा इनको भी अपॉइंट करेगा हमारा प्रेसिडेंट ठीक है बट प्रेसिडेंट uh, अपॉइंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस करेगा उन, उन व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो वो पोजिशंस दे दी जाएगी वो वो पोर्टफोलियो यूजली बोला जाता है सो मिनिस्टर्स यूजली फ्राम द पार्टी ऑफ द कोलिजन और द पार्टी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वही जो है आपको मिल, देखने मिलेंगे कहाँ पर मिनिस्टेरियल पोजिशंस में ऑल दो प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज द मिनिस्टर ठीक है जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए तो वो मिनिस्टर का मतलब है एनी वन इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है बट यूजली ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी या फिर अपने कोलिजन पार्टी के कोलिजन uh, गवर्नमेंट के ही लोगों को मिनिस्टेरियल पोजिशंस देता है ठीक है अब एक और चांस है ठीक है क्या करने का मिनिस्टर बनने का अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो तब भी आप मिनिस्टर बन सकते हो ठीक है लेकिन आपको विद इन सिक्स मंथ्स विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ योर अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर आपको किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा यानी कि या तो या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का ठीक है इन दोनों हाउसेज में आपको कैसे ना कैसे मेंबर बनना पड़ेगा हो सकता है लोकसभा में कोई सीट खाली हो तो वहाँ से इलेक्शन लड़ लो है ना या फिर राज्यसभा में एक और तरीका है राज्यसभा में होते हैं कुछ अपॉइंटेड मेंबर्स एज वेल ठीक है तो उस तरह से भी आ सकते हैं नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये जो है एक ऑफिशियल नेम है एक बॉडी का जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स होते हैं यूजली सिक्सटी टू एट्टी मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रैंक के अब मैं आपको थोड़ा रैंकिंग समझाती हूँ फर्स्ट नंबर पे होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स ठीक है ये उस लेवल के लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी से या फिर पार्टीज जो भी मिनिस्ट्रीज बना रही है मेजर मिनिस्ट्रीज बना रही हैं एंड यूजली द कैबिनिट मिनिस्टर्स दे मेड टू टेक मेजर डिसीजनस ठीक है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ़ में ही बहुत से डिसीजन लेते हैं अपने देखो ना कैबिनेट का डिसीजन ये हुआ कैबिनेट का डिसीजन ये हुआ यूजली कैबिनेट का डिसीजन हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और डिसीजन हो गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन हो गया तो अगर मेजोरिटी पार्टी किसी भी चीज़ को हाँ कर देती है तो देखो लोकसभा में तो उसकी मेजोरिटी है ही है ना तो यहाँ पर भी पास ही माना जाता है सो so, इसको इनर रिंग ऑफ काउं इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं इसमें यूजुअली अबाउट ट्वेंटी फाइव मिनिस्टर्स होते हैं एंड दिस इज़ द कोर एंड मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडीज के पास बहुत पावर्स होती हैं नाउ फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ठीक है इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं यूजली इन चार्ज ऑफ द स्मॉल मिनिस्ट्रीज एंड देखो हो सकता है कि कुछ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के पास छोटी छोटी मिनिस्ट्री हो तो वो अकेले वो मिनिस्ट्री को संभाल लेते हैं ठीक है एंड ये जो होते हैं ये मिनिस्टर्स के कभी कभी अंदर भी काम करते हैं ओके okay? सो so, ये है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड द अदर वन इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विच आर अटैच टू यानी कि समझ लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ही कोई डिपार्टमेंट है उसके साथ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को अटैच कर दिया तो इनके अंदर काम करेंगे ओके okay? या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है कोई छोटी मिनिस्ट्री हो ठीक है तो उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया उसको वो इंडिपेंडेंटली उस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ लाइक इंडिपेंडेंट चार्ज वहाँ पर आपको किरण रिजिजू जी मिल जाएंगे फिलहाल के वक्त पे कैबिनेट मिनिस्टर मैं आपको एक और बार बताना चाहती हूँ कि कैबिनेट मिनिस्ट्रीज जो होते हैं दी डे आर द मेजर मिनिस्ट्रीज है ना मेजर मिनिस्ट्रीज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दीज अदर मेजर मेजर मिनिस्ट्रीज को मिलाकर ही वो लोग होते हैं राइट नाउ कमिंग बैक टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ये लोग कैबिनेट ये लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री मीटिंग्स जो अटेंड कर सकते हैं वैन दे आर इन्वाइटेड सो सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरी थिंग तो डिसीजन कैबिनेट ही ले लेता है इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत सी कंट्रीज़ में कैबिनेट जो होती है वो मेजर रोल प्ले करती है एंड दे आर ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो कैबिनेट एक टीम के जैसे काम करते हैं मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट वो जो जो भी डिसीजन ले लेती है कैबिनेट दे ओन दैट डिसीजन एंड नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ये भी है अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट की बात भी हुई तो अगर दे आर लाइक ऑफ नॉट इन अपनियन विद डैट उनके ओपिनियन मैच नहीं करते तब भी वो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हर एक मिनिस्टर के पास सेक्रेट्री होता है जो कि एक सिविल सर्वेंट होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सेक्रेट्री क्या करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं किसको मिनिस्टर्स को कि सपोज कोई मिनिस्टर है वो बोल रहा है मुझे ये वाला एक लॉ बनाना है तो सारी पीछे की इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरीज प्रोवाइड करेंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें असिस्ट करते हैं सो कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ये भी आपको याद रखना है दिस इज द मेन यू नो एग्जीक्यूशन बॉडी एक मैंने आपको सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट बताया था एक होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको असिस्ट करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है ओके okay? तो इसमें सीनियर लेवल सिविल सर्वेंट्स होते हैं और एक जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ही इज़ द हाइएस्ट डिसीजन यू कैन से ही इज़ हा हाइस्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ ऑल द सिविल सर्वेंट्स ओके और ये सारी मिनिस्ट्री के, के क्या करते हैं चीज़ों को कॉर्डिनेट करते हैं नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर सो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द रिलेशनशिप टू ईच अदर बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं ही इज अ रियल एग्जीक्यूटिव ठीक है कैबिनेट की मीटिंग्स को चेयर करेगा कोऑर्डिनेट करेगा बहुत सारी एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रही हैं मेजर डिसीजन लेगा फाइनल डिसअग्रीमेंट अगर हो जाता है डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज के बीच में सो प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन लेता है जनरल सुपरविजन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को देता है एंड ऑल मिनिस्टर्स दे वर्क अंडर हिज लीडरशिप ही इज अ लीडर राइट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट एंड री डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर को बोलता है भाई आपको ये काम करना है आपको वो काम करना है हो सकता है किसी मिनिस्टर uh, की पावर डिसमिस कर दे अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो पूरी मिनिस्ट्री क्विट करती है समझ रहे हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर है तब तक मिनिस्ट्री है अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है ठीक है सो कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है ना एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया जो भी डिसीजन लेना होगा राइट एंड द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आपको देखने मिलेगा कि इंक्रीज ही होता जा रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज uh, में एंड uh, इसको प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में अब पोलिटिकल पार्टीज़ तो देखो मेजर रोल तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही होता है हमारे uh, पूरे के पूरे सिस्टम में तो दे ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द पॉलिटिक्स एंड प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कंट्रोल करता है पार्लियामेंट को और कैबिनेट को थ्रू द पार्टी ठीक है पार्टी जैसा गाइड करेगी वैसी चीज़ें भी करता है सो so, मीडिया भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दी है जो भी पॉलिटिक्स में ट्रेंड्स चल रहे हैं इलेक्शन चल रहा है कॉम्पिटिशन चल रहा है टॉप टू पार्टीज़ और टॉप लीडर्स के बीच में इंडिया में भी ऐसी टेंडेंसी है टू वर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि कितना पावर दो कितना ना दो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक्सरसाइज किया इन नॉमिनस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक इंदिरा गांधी वेरी पावरफुल लीडर अगर कंपेयर करें उनके कलिग से कैबिनेट से तो ऑफकोर्स इनकी जो पावर थी दैट वॉज विल्डेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ़ द पर्सन होल्डिंग द पोजिशन सो रिसेंट ईयर में अब तो इस वक्त पे तो बहुत ज़्यादा इनके पास पावर होती थी बट रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है कोलिजन गवर्नमेंट्स आ रही हैं सो कोलेजन गवर्नमेंट क्या है बहुत से रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन पुट ऑन कर देती हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर को ठीक है वो उनको लाइक like, देखो अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को क्या करनी होती है मेजोरिटी हासिल करनी होती है लोकसभा में सो वॉट इफ़ ही हैज़ फोर्टी परसेंट ऑफ इज ओन पार्टी एंड थर्टी एंड थर्टी परसेंट ऑफ द कोलेजन कोलिजन वाले तीस हैं तो तीस इनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं भाई हमारी बात भी मानो वरना हम सरकार गिरा देंगे ठीक है तो ऐसा हो सकता है सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलेजन गवर्नमेंट के नॉट टेक द डिसीजन वट एवर ही लाइक्स उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा डिफरेंट आइडियाज़ को डिफरेंट फैक्शंस को ठीक है उनके पोजिशन ऑन व्यूज़ को देखना पड़ेगा डिफरेंट पार्टीज़ के इन ऑर्डर टू सर्वाइव Right, so this is how the political executives are. These are the powers of PM and PM and Council of Minister. I hope you understood this point. We'll discuss President and Judiciary in the upcoming sessions. So stay tuned for that. And if you like the video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates.

सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे सो अपनी मिस्टेक्स को परफॉर्मेंस को कीजिए और स्प्रिंट यू पी एस सी इसके लिए परफेक्ट ऐप है सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच